हे गाइस, वैकेंसी हो चुकी है जीके। तो गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी निकल चुकी हैं। टोटल वैकेंसीज हैं 913, 913 वैकेंसीज हैं टोटल। क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एंड इंपॉर्टेंट थिंग सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप कभी मिस ना कर पाएं। ओके, तो गाइस वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने वैकेंसीज बता ही दी हैं, 913 वैकेंसीज हैं टोटल। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेट्स पहले आपको बता दूँ। ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 5 दिसंबर से, यानी कि कल से आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट है जो फॉर्म अप्लाई करने की, वो है 26 दिसंबर 2018। ओके, तो अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में डिटेल में। तो देखिए, टोटल जो मिला के 6 तरह की वैकेंसीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट का नेम है लीगल, ठीक है। स्केल थर्ड स्केल है, इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो है 20। एज लिमिट जो चाहिए वो चाहिए आपको 28 से 35 ईयर। ओके, मैक्सिमम एज है 35 तक। इसके अलावा इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए आपको के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस इसके लिए जो चाहिए, मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्केल टू के बारे में, लीगल। तो इसके लिए टोटल वैकेंसीज है 40। इसके लिए जो आपको एज है 25 से लेकर 32 तक आपकी एज होनी चाहिए। SC, ST, BC, OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको पता ही है। ओके, इसमें भी आपको बैचलर डिग्री इन लॉ में चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो गाइस, इसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद पोस्ट नंबर थर्ड, इसके लिए वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस स्केल, ये भी स्केल टू है। 150 वैकेंसीज हैं, 25 से लेकर 35 तक इसकी एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपके पास MBA होनी चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस इसमें भी आपको चाहिए, वो चाहिए आपको 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस। ओके, उसके बाद बात करते हैं पोस्ट नंबर फोर्थ की। इसमें JB स्केल वन है, जे स्केल वन की पोस्ट है। टोटल जो वैकेंसीज हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है, 700 वैकेंसीज हैं इस पोस्ट में। ओके, तो 21 से लेकर 30 ईयर तक इसमें आपकी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन आपको पता ही है जो भी आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन है, डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो 2 साल का आपके पास बक एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स में, म्यूचुअल फंड में, या फिर इंश्योरेंस में, ठीक है, या फिर बैंकिंग की किसी भी ब्रांच में आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ओके, तो उसके अलावा दो जो पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं, स्केल टू स्केल वन, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ऑपरेशंस, इसकी आप एक वैकेंसी और दो वैकेंसी है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको MBA चाहिए, अगर आप एक आपके पास MBA है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस स्केल में, स्केल वन की जो वैकेंसीज है, टोटल 700 वैकेंसीज हैं इसमें। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, ओके, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो गाइज डिस्ट्रीब्यूट देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज का, वो मैंने आपको बता ही दिया, फिर से जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। स्केल वन में 105 SC, ST 53, OBC 190, जनरल 354, टोटल 702 वैकेंसीज है, ठीक है। स्केल टू की बात करते हैं, टोटल वैकेंसी 191, एंड स्केल थ्री की बात करते हैं, टोटल वैकेंसी है 20, ठीक है। जो जो वैकेंसी है इसका पूरा नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके खुद भी इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको उसी वीडियो में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसका एक ही एग्जाम होगा, तो इन शॉर्ट आपको बता दूं, एक एग्जाम होगा, एक एग्जाम टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो भी 200 होंगे, एंड मार्क्स भी 200 ही होंगे। टाइम जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 2 आवर्स, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको बिलिंगुअली ये एग्जाम करना होगा। ओके, तो पूरा नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। फीस की बात करते हैं, तो फीस जो चाहिए SC ST एंड PWD, इनके लिए 100 फीस है, बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं सभी के लिए 600 फीस है। ओके, तो ये जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे स्टार्ट, वो कल से 5 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं कल से। ओके, इसके अलावा अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का रिप्लाई मैं करता ही हूँ। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई मैं करता हूँ। ओके गाइस, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।